इंदौरा के गगवाल की अरुणिका डॉक्टर बनेगी। अरुणिका के पिता राजीव बंदराल लोक निर्माण विभाग के नूरपुर मंडल में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत है, जबकि उनकी माता सुनीता राजपूत शिक्षिका है। अरुणिका ने अपनी 10वीं तक की शिक्षा एंजल स्कूल पठानकोट और जमा एक व जमा दो की शिक्षा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोड़ा से हासिल की है। अरुणिका के दादा ओंकार सिंह और दादी रचना देवी भी सेवानिवृत्त शिक्षक है। अरुणिका की बचपन में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने की इच्छा थी और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें परिवार से भी पूरा सहयोग मिला। अरुणिका ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। अरुणिका के परिजनों ने उम्मीद जताई कि उसका डॉक्टर बनने का सपना जल्द पूरा होगा। अरुणिका है और मैं गगवाल से हूँ। मैंने अपनी 10th की स्टडीज एंजल्स पब्लिक स्कूल मामून से की है और प्लस वन और प्लस टू के लिए मैंने पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोड़ा से वहाँ से एजुकेशन अपनी की थी कंप्लीट प्लस टू, और फिर कोचिंग के लिए मैंने चंडीगढ़ से कोचिंग की थी। आपने नीट की जो तैयारी की है, क्या इसके बारे में बता सकते हैं, आपने कैसी मेहनत करके पड़ी आपको? जी हाँ, नीट तो एक बहुत ही ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है। MBBS के लिए नीट के थ्रू ही हमें MBBS एडमिशन मिलती है, तो इसके लिए तो काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है, काफ़ी हार्डवर्क पुट इन करना पड़ता है। तो मैंने प्लस वन से ही नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, और कोविड के टाइम थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा टीचर्स का सपोर्ट रहा और थोड़ी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैंने नीट में 630 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए, कैसी दिनचर्या है आपकी? सुबह एग्ज़ाम नीट से पहले सुबह तो कोचिंग होती थी 1 बजे तक, उसके बाद आकर थोड़ा सा आराम करके 5 to 6 आवर स्टडीज हो जाती थी, तो फिर डेली का रिवाइज करना होता था, जो साथ साथ पढ़ाते थे वो साथ साथ रिवाइज किया, और सारे टेस्ट जो भी शेड्यूल किए थे वो सब कम्प्लीटली दिए, कोई मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी फिर हम पीछे रह जाते हैं बाकी बच्चों से। आप अपनी पढ़ाई के बारे में, कितना लगभग पूरा दिन में कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? कोचिंग तो 5-6 आवर्स कोचिंग में लग जाता था, फिर जब घर आके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 5-6 आवर्स सेल्फ स्टडी भी देनी पड़ती थी, तो लगभग 10-12 आवर्स डेली का हो जाता था कवर। अपने एम के बारे में बताइए। मेरा एम डॉक्टर ही बनना था, तो उसके लिए मैंने प्लस वन से ही कोचिंग, मुझे था कि नीट ही क्लियर करना है, इसीलिए मैंने प्लस वन से ही नीट की तरफ थोड़ा सा फोकस किया और वहीं उसी से स्टडी स्टार्ट कर दी। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? यही बोलना चाहूँगी कि काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है आगे, तो हमें अपना एक एम सेट करना ही चाहिए, क्योंकि एम के बिना आगे हमें पता ही नहीं है। अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है करियर में, एमलेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जिस तरफ हम एम कर रहे हैं उसके लिए पूरा हार्डवर्क पुट इन कर देना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपना एम ऑन टाइम अचीव कर सकें। इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसके लिए मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, सभी को बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम टीचर्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, टाइम टू टाइम गाइडेंस दी, जब हमें ऐसे लगता था कि नहीं अब थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी उन्होंने मोटिवेट किया। पेरेंट्स ने भी टाइम टू टाइम शेड्यूल का थोड़ा सा रखा कि हमारे हिसाब से अपना शेड्यूल किया, टाइम टू टाइम खाना वगैरह सब टेस्ट के अकॉर्डिंग सब उन्होंने अपना भी शेड्यूल हमारे अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ था। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी माने हैं, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।